में नहीं बैठता है ये जो ज्ञान सुना था जब पहले से सुना था हम कोई मैंने उसमें ये हम जानते थे ये हम जानते थे ऐसा मालूम हो रहा है मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कहाँ से जाना है किसको जाना है हमको तो दिल्ली सुबह यहाँ नहीं आने को मन ही नहीं लगता है नींद से उठते चार बजे ऑफिस जाने में ऑफिस का काम अच्छा ही लगता है हम एक सरकारी दफ्तर में नौकरी करते हैं मैं क्लास क्लास करके ऑफिस चले जाते हैं बाबा हम जीवन लड़की को लेकर जा रहे 17 तारीख को टिकट हो गया तो फरुखाबाद जाएंगे वहाँ से फिर थोड़ा दिल्ली जाएंगे मधुबन घूम के घर मुझे भर्ती करने दिया था सर मैंने फरुखाबाद गया कंपिल गया दिल्ली गया चंडीगढ़ गया हाँ जी घूम गया खेत तो बहुत अच्छा लगा खेत में खेत में हमको बहुत अच्छा लगा इतना फल वगैरह है वहाँ पर खेत में कुछ घूमे अंदर में मयूर भी है और क्या भर्ती किया मैंने स्टूडेंट लाइफ से जब कॉलेज में पढ़ता था तो भगवान की तो खोज था क्या संस्थान जाता था भगवान जाता था ये मंदिर जाता था वो संत का स्थान करता था तो कुछ नहीं मन अच्छा नहीं लगता कुछ करने के बाद वो तो संत है अपन भाई भगवान को ढूंढने के लिए शशान है वो बहुत ज्यादा ढूंढ इधर में शायद होगा इधर में शायद होगा इस तरह जब जन्म ढूंढने वाले ढूंढते ही रहे एक जन्म दो ही ढूंढना है 63 जन्म ढूंढते रहे लेकिन इधर जाके तुमने कोर्स शुरू किया ना एकदम शुरू से ही मैंने कोई डाउट नहीं है उन्होंने एक शब्द हमको बोला ये जो नॉलेज है ये टोटली अनकॉमन है नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल नहीं है ये जो शब्द बोला हमारा बा ये शब्द से पता पड़ता है ये इन्होंने समझा अनकन्वेंशनल नॉलेज इन भक्ति मार्ग तो सभी एक ही टाइप का है कन्वेंशनल लेकिन वो सबको नहीं लगती है तो जो बाबा के डायरेक्ट लगते हैं उन्हीं को ऐसा हाँ हमारा रिश्तेदार के लिए कितना आदमी के लिए दोस्त के लिए कितना मैसेज हम दे रहा सुनते हैं अच्छा है अभी अभी उम्र नहीं हुआ थोड़ा उम्र होने दीजिए अब हम तो दुकान में मेरा कस्टमर आता है ना हम काम करते हैं फ्रिज का फ्रिज तो मैकेनिक दुकान में जो भी कस्टमर आता है हम उनको तुरंत मतलब उनको नहीं बोले हम रहेंगे बात मेरे बाबा भगवान आई है ना तो हर सबको बोलते समझे देते हैं कोई को छोड़ते नहीं है डेली रेगुलर एक दो रेगुलर हम बोलते हैं सब कुछ सुनता है बाबा देता है बड़ा अच्छा है बहुत बढ़िया है छोटा छोटा किताब जो जो उनकी योजना अच्छा जिज्ञासा है तो उनकी योजना दे दो और एक छोटी किताब है बांग्ला में बोल छोटो पतला बोल সে বইটা এখন ঘুরছে ওর ক্যামেরা অফিসে এখানে তো জ্ঞান শুনিয়েছি তো বইটা পড়ে খুব ইন্টারেস্ট পাচ্ছে খারাপ নেই রেডি করে কোনো ইনফরমেশন দিয়ে নি দো মকান কর্জা দিয়ে তো আমি সোচে উদ্ভিদ हमने भी सोचा आत्मा आत्मा तीन लोग देने के बाद ही सीधा सीधा ये चार जो एडवांस को दे देना है
बेसिक कंप्लीट करके थ्री बाई फर्स्ट कंप्लीट करना बहुत ही टाइम लग जाता है, टाइम देता नहीं है। हाँ सुनता नहीं है बाहर वाले तो मतलब सुनता नहीं ज्यादा करके देखे टाइम नहीं देते हैं। रिसेंटली एक बेसिक भाई 6 वर्ष बेसिक में थे, उन्होंने क्या ट्रेन में जाते थे उस समय उसके बाजू में अनवर भाई बैठे थे। अनवर भाई का याद है तो आपको ना, अनवर भाई इसी पंडित भवन का कनेक्शन में क्रॉस करते हैं, हाँ आते हैं। तो अनवर भाई का क्या, वो जो भी शादी हो गया शादी क्या बोल रहा, तो आपने बोला था गीता पाठशाला पांडव में आ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अभी शादी होने के बाद तो ये तो ज्ञान में दिन प्रतिदिन इधर में भी प्रति दिन प्रतिदिन सीखा हो रहा है और ज्ञान की ऊपर उसका बहुत इंटरेस्ट आ रही है। तो अभी शादी करने के बाद इस कमाई में थोड़ा कमाई करना थोड़ा कम हो रहा है हर, लेकिन उनका अभी आपने जो बोला जो वाइफ को भी लेके भूगोल को लेके मैंने भर्ती करने के लिए तो भूगोल को बहुत कोशिश करते हैं। भूगोल एकदम मैंने एक तो मुस्लिम रिलीजन का है और दूसरा थोड़ा मैंने अनपढ़ है और एकदम लगता है ना उसको समझते नहीं है इसका, तो इसलिए वो बहुत कोशिश करते हैं। तो कुछ दिन हुआ 15 दिन हुआ तो ऐसा किया, उन्होंने बोला उन्होंने कुछ रिपोर्ट कर दी उसके पिताजी को, तो पिताजी आके तो उनका जुगल को और लड़का को छोटा लड़का को लेके चला गया, बोले ये सब रिलीज नहीं देगा, तो खाना पीना ठीक ठीक से नहीं देगा, क्यों शुद्ध लोग खाते हो, तो इसलिए लेके चला गया। तो लेके तुम चला गया वो बोलता था क्या करेगा आपका, वो जो भी लेके चला गया तो उनको ही आके देना पड़ेगा, तुम एकदम टाइट रहो बैठे रहो, हाँ मत जाओ। तो अभी ऐसे करके वो बैठा हुआ है लेकिन अनवर भैया अभी क्या है हार्वेस्ट के लिए बहुत ही ये कर रहे हैं और बोलते मुस्लिम लोगों का अंदर में क्यों ये नहीं हो रहा है, इसके लिए बहुत चिंता करते रहते हैं मुस्लिम का बड़ी में उतर गई जोर से। तो वो क्या क्या वो ट्रेन में जब जाते थे ना बाबा, तो वो जो भाई नया भाई बेटी का वो आपकी मुरली पढ़ते थे, तो जब मुरली पढ़ते थे तो अनवर भाई बाजू से बोला अरे मुरली पढ़ रहा है लेकिन मुरली घर तो पहचानते हो, मुरली एडवांस के बात छेड़ दी। तो धीरे धीरे वो जो भी बात करना शुरू कर दिया तो इनको ये बेटी ये लड़का को ये 26-27 वर्ष की उम्र है 6 साल बेटी में है, तो उनको बहुत ही अच्छा लग गया। हम ढूंढते थे लेकिन उनका बात सुनकर मालूम हुआ जो हमने नहीं पढ़ा है वो बात वो बोल रहे हैं। तो उसके साथ साथ क्या बोला तुम किधर जाओगे, तो अनवर भाई बोला हम तारकेश्वर जाएंगे बहुत दूर है उसका ग्राम, बोला हम भी जाएंगे रात में। तो रात में क्या वो हिंद मोटर स्टेशन में उतरा, घर में जाके बोला ये मेरा एक फ्रेंड का पिताजी का बहुत बीमार है हम जा रहे हैं, तो बोल के उसके घर में चले गए रात में। रात में घर में जाके ना वो एक तो मुस्लिम है ये है मारवाड़ी भाई मारवाड़ी भाई लेकिन मुस्लिम भाई के घर में चला गया। रात में क्या किया वो सीढ़ी चालू कर दिया, हम लोग का भीतरी चालू कर दिया, तो भीतरी सुन के अनवर सोते रहे अरे सारा रात भीतरी सुना, भीतरी सुन के उनके एकदम तीर लग गया पहला निकल गया, हाँ वो तीर लग गया तो उनको जुगल है। तो नेक्स्ट डे वो घर में आया, घर में आती तो उनको जुगल को लेके इधर में आ गया, शाम पर इधर पांडव भवन है बोले थोड़ा संदेश दे दीजिए बस, तो हमने उनको संदेश दे दिया। तो वो अभी पर माता जी तो है, हाँ माता जी बात ले रही है, हाँ माता जी हमारी बैठ करने सुना दीजिए माता है कन्या आती माता जी तो है ऊपर केवल पांडव वन क्या है ऊपर है आज नहीं तो कल माता जी सुनाना सीख जाएंगे तो गीता पाठशाला भी हो जाएगी ऊपर गीता पाठ पांडव वन आगे चलती तो फूल नहीं बेटा, और वो है वो लखनऊ में नौकरी करता है, अच्छा तो वो बेसिक में सबको छोटा छोटा
दफा में लगी गया, लेकिन अभी तो लोग सब ज्ञान में आए नहीं मानते, एडवांस में नहीं आता, बेटिंग में भी नहीं आता, लेकिन अभी आज का संदेश उसको दे दिया फोन में, वो आया हमारे घर में, अच्छा सारा दिन मस्त समय गया, तो वही उसी का वास्ते वो तो भिखारी आ रहा है उसको कहता है, जो हाथ है अभी तो वो उसने भिखारी लाइन में कर रहा था इनका पिताजी कुछ दिन पहले शरीर छोड़ दिया और उसके बाद इसके ना दिन प्रतिदिन के हेल्थ इतना खराब हो रहा है आश्चर्य बात है। वैसे वो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सभी के माँ बाप थे कुछ होते ही शरीर से छोड़ने सब कई छोड़ने मेरा भी पिताजी तो अक्टूबर में शरीर छोड़ दिया अक्टूबर में मेरा भी पिताजी अक्टूबर में चला गया ज्ञान सुनाया था हम पिताजी को ज्ञान सुने भी मगर ऐसा हो गया उनका यहाँ पांडव ने लिया एक दिन गोविंद भाई ने ज्ञान सुनाया उसके बाद ऐसा हो गया ना थोड़ा मैंने बिस्तर में सो गया था उठ ही नहीं पा लीवर डेड हो गया अक्टूबर 28 अक्टूबर को देर हो गया तो और हमको ध्यान से नहीं मिला जो पिताजी के यहाँ लाएंगे और ध्यान में लीवर पानी जम गया पानी जम के हमको उस टाइम पे हमको पिताजी को हम एक तो मैंने बाबा का पर्ची जो था पॉकेट में रख दिया हम बोलेंगे आप खाली हरदम सोते बैठते खाली कि बाबा को याद कीजिए भैया आपका अच्छा होगा तो अगर वो अच्छा हो तो सर्विस कर दिए तो थोड़ा बहुत जानकारी लिया है इधर के सब रेगुलर स्टूडेंट है सब स्कूल के हम पहले ही रहते स्टार्ट किया था क्या करते मतलब और एकदम ऊपर में लेके जाते हैं पहले ही हमारा स्कूल बहुत दिन तक तीन चार महीने के बाद उसके बाद ही तो तारक भाई बोल के एक आता था वो भी आता था उसमें दो दिन तक तीन चार आदमी चला था उसके बाद में तारक भाई बोला कि मैंने एक तो घर दे दो हम लोग पीछे रहेगा तीन चला मार देने का उसी हिसाब से आपको घर को सब भला देने था घर में बहुत टिकट टिकट करके उसको सब जमा को इधर का उसको सुलभ करके सब बहुत किसी का चेंज कर साथ चेंज करने के बाद इसे ख्याल हो गया आपका ऊपर में जो आपको उसको माता कुन्मा का आपको सेंटर बनाए आपको तो बोलने से आपका पूरा सेंटर इतना पड़ता है उसके बाद जब बोला मैं पढ़ने बहुत नहीं था ऐसा ऐसा कैसे तब से इधर भी आता था अभी थोड़ा अभी थोड़े फादर के मतलब अभी अंदर जाने के बाद से जो है थोड़ी सी मतलब चलता ही है फिर भी मतलब लौकी बाप भी बाप तो होता ही है मतलब थोड़ा सा जो है लौकिक बाप और पारलौकिक बाप दो ही बाप दो मिलता है एक जन्म का मतलब है एकदम फ्री रहते थे कोई चिंता नहीं किसी चीज की कोई भी मतलब कोई प्रोग्राम हो कहीं भी हो तो दौड़ जाते अभी भी फ्री रहो हाँ अभी वैसे भी आनंद में रहिए आनंद अच्छा है आप तो हमेशा है हम लोग तो शादी कर लिया था हम लोग तो एकदम घुमा है कितना अच्छा है आप लोग अब करते हैं जीवन को समझाना पड़ता है लड़की को समझाना पड़ता है रहती है ये भी बाबा की कृपा ही है मतलब कुमार रहना भी एक बहुत बड़ी बात इनका जो जुगल लड़की अपने परमिशन देता हम इनका घर में लेके कोर्स कराए तो कोर्स कंप्लीट हो गया
अभी 17 के प्री अभी भक्ति करने के लिए जा रहे थे, ये लेके जा रहे थे भूगोल और मैंने लेके माइंड में परमिशन लेटर भी ले लिया, जिसमें मैंने साइन करके दे दिया। 17 के प्री जा रहे थे और तपन भाई का भूगोल का थोड़ा प्रॉब्लम है बहुत। तपन भाई का भूगोल एकदम नॉन इंटरेस्टेड है ना, इन्होंने मोटा मोटा मोटी मोटी बातें नाम मानव बोलता है जो मोटी मोटी बातें मैंने धीरे धीरे छोटे छोटे बातें करके उनको बुद्धि में डाल दीजिए, मैंने बुद्धि के वो बसान आस्ते 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 चेंज करें। क्योंकि ये जुगल है एक ही लड़की है जैसे अपने को खाना बनाना नहीं आता कुकर में 3 बर्तन में डाल दो 10 मिनट में तैयार हो, बहुत मेहनत नहीं है। दाल चावल अलग पीले सब में डाल देंगे ना, दाल अलग बर्तन में, चावल अलग बर्तन में, कुकर के अंदर रख दाल चावल आलू तीनों अलग अलग रहते तीनों आदत पड़ जाएगी तो और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। अपना दिन दालू क्यों बना उनके लिए आटा थोड़ा सा मार लिया तो मारने के बाद उसको सब्जी बना के दाल नहीं डाली रोटी बना नहीं देता ओनली दाल में उस छोड़ देगा। हाँ पति पत्नी ऐसी बनाए तेल देते हाँ। यदि बनाए जब जब वो उबल रहा है हाँ। तो धीरे से ढक्कन खोल के और उबल के समय तो दाल बड़ा प्रेशर कुकर कौन सा है, प्रेशर कुकर है हाँ। तो ही है बस वो खाने की हो जाए जरूरत है रोटीन बन जाए हाँ रोटीन हो जाएगा और कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा। तो राइस खाने का भी जरूरत है वो खाने का, आपने तो राइस ना के लिए बोला आपके लिए तो दाल और दाल की तो नहीं है वही क्या दाल और दाल की दाल में डाली हुई रोटी आप आलू बड़ी चलेगा चावल भी चावल आप इतना बड़ा इससे फिर जैसे टेढ़ा नहीं तो थोड़ा चपटा कर दो हाँ साइज कितना है इतना ये थोड़ी कुछ अच्छा हरी मिर्ची में ज़्यादा खाना ठीक नहीं है कोई अच्छा है सब्जी भी डाल सकते हैं बासन में रोटी बनाने का कोई जरूरत नहीं है अच्छा होता है। अन्न का प्रभाव बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है बना हुआ असर बना हुआ बनाया वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। माँ के हाथ से भी इंटरनेशनल लेवल जहाज का नौकरी में
जहाज का सेकंड इंजन था, हमारे जहाज का इंजन रूम का फर्क नहीं है, फर्क था हम वो आ गए इंजन रूम का हार्डन था, हार्डन भी कुछ साल के बाद आ गया घर में रुका, लेकिन वो गैंग लेकर जो उसको हर हम होता तुम जन में करो ताकि उसका शादी भी हो गया उसका नाचना भी हो गया बहुत बाबा को परमिशन लेगा बाबा तुमसे मिलने मानता है हमारा एक नया आत्मा लेके ले भी आया, लेके ले भी लाख का हिसाब कर रहा है, फिर मतलब है कोई हम लोग तो लेके नहीं आए, फिर लेके भी नहीं जाए, लेकिन वहाँ माया ने हम लोग तो भेज के जाएंगे, जितना ईश्वर को पहचाने उसको ले जाना, बहुत कुछ लेके जाने वाले हैं आपको, इससे ले जाना है आप कुछ नहीं ले जाना है, लेकिन हम लोग जो इतना दुख एवरीबॉडी इज दुख, लेकिन ये दुख कैसा हम लोग को जाएगा मन से तो नहीं जाएगा, सब चाहिए चाहे वो चाहे मोबाइल चाहिए बीबी चाहिए बाबाजी ने था कि हम गया था वृंदावन में तो घर में थोड़ा रंग खेलने को गया था तो रन खेलने को सर हम सोचा तो ज़्यादा आने को था हम नहीं हम थोड़ा इधर में आने को है घर में ही बहुत दिन के बाद आ जाए बहुत दिन लेकिन हमको मुक्ति चाहिए मुक्ति नहीं मिलता हमको का मतलब क्या है मुख्य हम जितना सा बाह्यिक विषय वस्तु है इससे थोड़ा मुक्ति चाहिए हमको कुछ नहीं चाहिए यदि छूट जाता है तो मुक्ति हो जाएगी अगर आपको मुक्ति मिल जाए मुक्ति मतलब कम से कम फैला हुआ है गंदा फैला है इससे हमको मुक्ति मिल जाएगी लेकिन जब छूट जाए तो मुक्ति हो जाएगी वो तो उनका बात है अरे नहीं नहीं वो भी इंक्लूड है इंक्लूड है लेकिन हमको इतना सोचना है कि हम किसी का चीज में हमको बस नहीं होना चाहिए ये इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि आप ये नहीं समझ रहे हैं कि हम हैं क्या आप जो हैं वो ये शरीर नहीं है ये पांच तत्वों का टुकड़ा तो आज है कल नहीं रहेगा कल नहीं रहेगा लेकिन आज एक आत्मा उसकी रोशनी आंखों से निकल रही है ये आंखों से निकलती है रोशनी ही बता रही है कि आप कोई और चीज है वो रोशनी जब निकल जाती है तो ये सब रहेगा लेकिन आप नहीं रहेंगे ये तो पंचभूत में मिल जाएंगे ये पांच भूत में मिल जाएगा लेकिन आपकी मुक्ति नहीं होगी मुक्ति तो नहीं मिलेंगे जब तक उनका छुटकारा नहीं मिलेंगे उस तक हमको मुक्ति कैसे मिलेगी तो ऐसे ही सबसे पहली बात समझने की है कि हमको आत्मा है आत्मा ये घड़ी घड़ी दूसरे को बात करते समय किसी को मिलते किसी समय ये पक्का याद रखने की चीज है कि हमें यहाँ टीका भले न लगा लेकिन आत्मशुद्धि क्या है कि हम वो स्टार आत्मा है जो आत्मा यहाँ टिकी हुई है और हम आत्मा इस आत्मा से बात करते हैं जब हम किसी से बात करते हैं तो पेट की तरफ थोड़ी देख के बात करते हैं तो कहाँ नजर जाती है दोनों आंखों के बीच में इसका मतलब आत्मा वहाँ विराजमान है उस आत्मा से हम आत्मा बात करते हैं हमारा कोई कनेक्शन इनके साथ है पूर्व जन्मों का तो ये हमारे सामने बैठे हैं हमको देख रहे हैं हमसे बात कर रहे हैं किसी के साथ दुख का हिसाब किताब आ जाता है उससे छुटकारा दुख कोई नहीं चाहता नहीं दुख तो नहीं दुख नहीं रहे तो सुख का मालूम नहीं पड़ेगा ना सुख तो चाहते हैं सर सुख चाहते हैं सर ये कोई नहीं चाहता हमें दुख न मिले दुख चाहते हैं दुख मिले लेकिन दुख न मिले दुख न मिले तो दुख से छुटकारा हो जाना अशांति से छुटकारा हो जाना वो ही हमको और ये चाहने के लिए आत्मज्ञान मुक्त तो होता नहीं होएगा होएगा आत्मा का ज्ञान परमात्मा सिवाय कौन दे सकता है उनका दया होने से तो हम मिलेगा अब क्या पता आपके ऊपर दया हो रही हो
और संगी साथी तीन तीन इकट्ठे हो गए एक ही जैसे वो भी होती नहीं जांच में उड़े अपनी काज करें उड़े करें आगे काज करें আমি এখানে এসে ওনার এখানে এই বাড়িতে এখন পাণ্ডব ভবন তৈরি হয়েছি ঈশ্বরীয় পাণ্ডব ভবন আর আপনি আজকে এসছেন এবং আপনি যার সঙ্গে কথা বলছিলেন বাবার সঙ্গে যে সে কি এখন আপনি বুঝতে পারছেন না কিন্তু আপনার উপরে যে কত কৃপা আছে সেটা ধারণার বাইরে তাহলে আজকে হঠাৎ আপনি এতদিন পরে আসবেন কেন কবছর পরে এলেন বছর দিনে বছর খানিক পরে এলেন এমন দিন এলেন যেদিন বাবা এখানে আজকে এখানে যে আজকে আমি যে এখানে এলাম এটা আশ্চর্য ব্যাপার আশ্চর্য ব্যাপার না আমার যাওয়ার কথা ছিল কর্ণগর বন্ধুর বাড়িতে ওই পালের বাড়িতে ওখানে ফোন করলাম বলে আজকে আসবে না বাড়িতে শরীর খারাপ তুমি এসো না আমি চিন্তা করলাম কোথায় যাই তাহলে ঠিক আছে আমি যাবো না তখন এই ধরনের এখানে আসি আর জানেন যারা ঈশ্বরীয় জ্ঞানে চলে না তাদেরকে আজকে আমি বলিনি কাউকে আপনি একমাত্র ব্যক্তি যে ঢুকতে পেরেছেন বাবার সামনে বসে কৃপা অলরেডি আছে এখন বাবার কাছে আপনি জিজ্ঞেস করুন যে কিভাবে কি করবেন এবং সেগুলো ভালো করে মন দিয়ে শুনে সেটা করুন আমি এখন আর কিছু নেই চাই এই যে সংসার হ্যাঁ মায়া মুক্তি চাই আর এক আর উঁচু চিজ জীবন মুক্তি জীবন রহে জীবন রহে জীবন রহতে রহতে হমকো সুখ মিলে দুঃখ না মিলে দুঃখ কবি পরোয়া নেই লেকিন এসা দুঃখ চাইয়ে দুঃখ তো আমি তো একটা বনে হুয়ে পড়ে হিন্দুস্তান কি ইয়ে হালত হ্যাঁ হিন্দুস্তান দুনিয়া কা সবসে পুরানা দেশ হ্যাঁ ইস পুরানি দুঃখী জিতনি জ্যাদা পুরানি হতি হ্যাঁ উতনি জ্যাদা দুঃখদায়ী হো জাতি ये इंडिया में जितना ज्यादा दुख है उतना और किसी भी चीज में तो ये जो दुख है दुख का मूल कारण ये है कि यहाँ पाप आचार बहुत बढ़ चुका है बहुत बढ़ चुका है बढ़ता रहे और बढ़ता और ज्यादा बढ़ रहा है इतना बढ़ेगा इतना बढ़ेगा देखो इंडिया में जितने हैं धर्म फैले हुए इतने धर्म और किसी भी देश में नहीं चलेंगे जितना धर्म इंडिया में है और धर्मों के आधार पर जो विद्वेष फैला हुआ है आपकी मनमुटाव उतना और किसी भी देश में नहीं फैला हुआ है इतनी जातियां भारतवर्ष में फैली हुई है जितने जातियां इतनी जातियां और किसी भी देश में नहीं फैली है और जातियों को आधार पर लेकर के एक दूसरे से मनमुटाव लड़ाई झगड़ा किसी भी देश में नहीं भारतवर्ष के अंदर जितनी भाषाएं फैली हुई है इतना भाषा बंगाली धर्म पंजाबी अब यहाँ देखो पंजाबी को दिखाई पड़ता है यहाँ बंगाल में पंजाबी दिखाई नहीं पड़ता बहुत कम बंगाली नहीं दिखाई पड़ते इंडिया में जितना ऐसे कई घर है इतना और किसी भी देश में ऐसे कई नहीं मेरा राज्य तुम्हारा राज्य ये राज्य इस राज्य का बंटवारा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए उन्हें खंडित 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 एक ही छोटा ग्राम में कितना तरीके का भाषा भी है एक ही ग्राम में एक ही ग्राम में देश के जो तरीके हैं धर्म जितने धर्म भारतवर्ष में है इतने किसी भी देश में नहीं है और देशों में एक ही धर्म पनपता है यहाँ दिल्ली में देखो दिल्ली तो दर्पण है पूरे देश का उसी बराबर हिस्से में क्रिश्चियन भी है बराबर हिस्से में मुस्लिम भी है बराबर हिस्से में सिख भी वहाँ देखने में मिले सिख राजधानी कैपिटल साबित करने के लिए हम चाहे अरुण भाई को वहाँ जाके लेके जाके खड़ा कर देंगे साबित के लिए संदेश देने के लिए জল বেরোয় মানে বাবা যখন পৃথিবীতে আসে না জটিল তত্ত্বকে জলের মতো সোজা করে দিয়েছে বুঝলেন যখন এখানে এসে আর কি আমাদের কোর্স আছে হ্যাঁ সেই কোর্সটা যখন করবেন না এখন একদম জলের মতো সোজা যে জ্ঞানটা প্রচণ্ড জটিল ছিল মানুষ কিছুতেই বুঝতো না সেইটা একেবারে আট ন বছরের বাচ্চাও পর্যন্ত বোঝে
সহজভাবে করে দিয়েছে। আজকে আপনি সেই বাবার স্থানে এসেছেন, এরকম অনেক ব্রাঞ্চেস আছে ঈশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয়ে। সবচেয়ে জাদা যে ধর্ম কাজ জুনুন হতা হ্যাঁ মুসলমানো মে ধর্ম জুনুন মে আকে পাগল বন জাতে হ্যাঁ আদি তে মকান বেচকর वहाँ भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे, हम भी वही चले जाते हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे। रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा सरकार में, रजिस्ट्रेशन बंद कर रहे हैं। सरकार नहीं कर रहा, लेकिन जमीन के ऊपर जो बेचने वाला है वो लोन नहीं ले सकता, लीज पर नहीं उठा सकता, दुकान को किराए पर नहीं ले सकता। हमें अगर रहने का अधिकार सिर्फ हमको ही मिलेगा, ऐसे ऐसे एग्रीमेंट के साथ ऐड कर रहा था और हटा नहीं देखा तो दो आगे से पैसे डरवा भी गई, देखने वाले से भी डरवा के घर से और सदस्य उसके नौ आगे से पैसे भी देंगे, दो टाइम करा लेगा गवर्नमेंट आजकल खुद फंसी हुई है, अपने ही बनाए हुए कानून करके एक तरफ कानून बनाने वाले बनाते हैं और दूसरी तरफ तोड़ने वाले सामने ही सामने तोड़ रहे हैं, और कानून ही तौर पर तोड़ रहे हैं, तो कुछ बनाते वही तोड़ते सोच समझ के यहाँ पे कोई कभी तो नहीं लगाए। बाबा हमारा एक अंतिम इच्छा है, हमारा अंतिम इच्छा है कि हमारा जो जागा है जादवपुर में छोटा का छोटा जागा खाली पड़ा हुआ है, मैं सोचा वहाँ पर एक मंदिर हम दिखाएंगे। बताइए विष्णु के तीनों को मंदिर को बनाने को मन में आया है, मंदिर में आप ब्रह्मा विष्णु शंकर की जड़ मूर्तियों को बैठाएंगे या चैतन्य आपकी समझ में आ जाए तो उनको बैठाएंगे? जो भी अपना कथे जो भी अपना सामने ब्रह्मा विष्णु शंकर चैतन्य इसे जाए আপনার বুদ্ধিতে বসেও যাবে, যুক্তিতে আপনি বুঝে যাবেন যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর চৈতন্য এসে গেছে, তাকে আপনি জীবন্ত তাদের বসাবেন না জড়মূর্তি বসাবেন?
মনুষ্য মন কা উপযোগ নেই করেগা বুদ্ধি কাজ উপযোগ নেই করেগা তো কোন জানবার করেগে মনুষ্য ইয়ে ফেসলা নেই করেগা কি ব্রহ্মা কোন বিষ্ণু কোন শঙ্কর কোন কোন ফেসলা করে আজ দুনিয়া কি রাক্ষসী মনুষ্য করে দেবতা কি দুনিয়া হ্যাঁ নেই মনুষ্য ভাবিতাই হ্যাঁ মন কি পূজা বতানে বালা মন কা উপযোগ কর লে তো আপ তো মন হ্যায় আপকে পাস মন মন মানে ইচ্ছা হ্যায় আপকি মানে হ্যায় না মন তো হ্যায় তো মন বুদ্ধি কে সাথ আপ ফেসলা খুদ কর সকতে হ্যায় সির্ফ বহ কর কি সমঝনে কি বাত হ্যায় जब इतने लोग फैसला कर रहे हैं सबने फैसला कर लिया कि हाँ ब्रह्मा भी है प्रैक्टिकल में विष्णु भी है प्रैक्टिकल में शंकर अगर न होते तो हमारा जो तिरंगा प्यारा कपड़े का झंडा विजय विश्व करता है विश्व की विजय कपड़े का झंडा नहीं करता है वो चैतन्य हुए हैं प्रैक्टिकल में चैतन्य तो जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की है सबसे बड़ा है चैतन्य चैतन्य नहीं होने से लेकिन अभी वो क्या करेगा पर वाला क्या करेगा उनका मालूम लेकिन हम मन में सोचते हैं अगर आपको मालूम पड़ जाए तो जो भी आप बुझे जान ये चैतन्य चैतन्य से आप पे जान तो हम तो मंदिर बनाने को हमको मन में आता है मन में आया है एक मंदिर हम बनाएंगे उसमें हमारा चैतन्य भी रहेंगे हमारा मूर्ति भी रहेंगे दोनों रहेंगे मूर्ति नहीं रहने से तो हमारा चैतन्य भी नहीं आएंगे ये तो मूर्ति ही है ये मूर्ति है जब इसमें आत्मा है तो चैतन्य आत्मा निकल जाएगी तो ये मूर्ति है मूर्ति लेकिन मूर्ति को स्मरण करके मूर्ति को मानेंगे मूर्ति तो जड़ होती है उससे चैतन्य आत्मा को नहीं मानेंगे इतना हजार रुपये मूर्ति बन रहा है वो बन रहा है लेकिन वो बनने के बावजूद भी बनाने वाले बना रहे हैं किस आधार पर जो शास्त्रों में लिखा हुआ है और शास्त्रों को बनाने वाले भी मनुष्य ही थे लेकिन जिन्होंने वो शास्त्रों की परंपरा और उनकी मूर्तियों की परंपरा चलाई है 2500 साल से वो मूर्ति मिल रही है मूर्तियाँ बनाने की शास्त्र बनाने की लेकिन उनके रिजल्ट में दुनिया में प्यार और स्नेह सहानुभूति ये शिव हैं वो बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं तो नहीं घट रहा है सहानुभूति घट रहा है घट रहा है ना घट रहा है इसका मतलब मूर्ति बन रहा है लेकिन ये घट रहा है इसका मतलब चैतन्य आत्मा को हम पहचानेंगे तो ये चीजें बढ़ेंगी और एक बात घट रहा है बात ठीक है लेकिन हम जब वृंदावन में हम जितना घूमा है देखा है एक एक आदमी मैंने एक एक करोड़ों करोड़ों कोटि इतना अच्छा से सब मंदिर बनाया उसका मंदिर उसका एकोमोडेशन उसका मैंने सब कुछ है देखने से भी दिल में भक्ति आता है बहुत सा आदमी भी उधर जाता है यही जो जाता है उधर में आता है तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये है एक परंपरा ट्रेडिशन चली आ रही है वो ट्रेडिशन के ऊपर सब चल रहे हैं शायद ऐसा करने से हमको मुक्ति मिल जाए लेकिन अंधश्रद्धा से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी भगवान है जो है वो ज्ञान देता है अंधश्रद्धा नहीं देता है ज्ञान अलग चीज है और अंधश्रद्धा अंधविश्वास अलग चीज है लेकिन वो एक ही आदमी को मिलता है जो एक नहीं सारी शक्ति की मुक्ति करने वाला एक ही परमपिता को एक ही परमपिता को एक ही आदमी को मांगता है जो ध्यान से तो ज्ञान से उसको मांगता है आप मांगते हैं वही तो बोल रहा हूँ हम भी मांगते थे हमें अब अनुभव हो रहा है कि हम मिलने के रास्ते पर हैं आपसे जो समझेंगे तो हवाई खेल है ऐसा हो नहीं सकेगा आप ऐसा समझते हैं लेकिन हो सकेगा आज आप ऐसा करें दो दिन के अंदर ही आप कहेंगे मिल गया हमने पा लिया
अगर ये सब अनुभव कर सकते हैं तो आप भी अनुभव कर सकते हैं। मैं तो अनुभव कर रहा हूँ लेकिन हम तो चैतन्य की बात है, आप जड़ मूर्ति की बात कर रहे हैं, हम तो चैतन्य की बात कर रहे हैं। चैतन्य की ये जो अपने यहाँ भारतवर्ष का जो तिरंगा झंडा है, तिरंगा झंडा में तीन कपड़े हैं, तीन कपड़े है, ये कपड़ा किस बात की यादगार है? ये शरीर की वस्त्र है क्या? ये शरीर है वस्त्र और इस वस्त्र को पहनने वाली है आत्मा क्या? तो ये तीन प्रकार के वस्त्र हुए हैं संसार में, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ब्रह्मा जो वस्त्र है हरा ही हरा हरा है, अरे उनकी पुत्री में बैठा हुआ राम राज्य आएगा, हरियाली आएगी, हरित क्रांति आएगी, स्वर्ग आएगा, स्वर्ग आएगा, यही पुत्री में बैठा हुआ है। विष्णु दूसरी मूर्ति और स्वर्ग का देवता जिससे पक्का, और एक है उससे भी ऊपर, हमें न नरक में और न स्वर्ग में, दोनों हमारे लिए एक जैसे हैं। स्वर्ग मिल जाए, सुख की दुनिया मिल जाए तो खुश नहीं, और दुख की दुनिया मिल जाए तो उन्हें दुख नहीं, दुख नहीं और शाम जिसके वो है शंकर, लेकिन वो जागर में आने वो है शंकर। लेकिन जो शंकर है महादेव कहा जाता है, ब्रह्मा से भी ऊंचा देव विष्णु, विष्णु से भी ऊंचा देव महादेव। लेकिन महादेव जो है वो महादेव शंकर का नाम ही सिर्फ परमात्मा के साथ बोला जाता है। ऐसे सौ देवताएं हैं लेकिन किसी का नाम शिव के साथ नहीं बोला जाता। शिव वो आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र में आती ही नहीं कभी। हम और आप जन्म मरण के चक्र में आ रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, फिर शरीर ले रहे हैं, फिर शरीर छोड़ रहे हैं, फिर शरीर ले रहे हैं, लेकिन वो आत्मा ऐसी है शिव जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आती। वो भी अगर जन्म मरण के चक्र में आ जाए तो हमको छुड़ाने वाला कोई नहीं। शिव आत्मा अलग है, शंकर की आत्मा अलग है। शिव है परम पिता परमात्मा और शंकर है देवता। जैसे सौ देवताओं में सबसे ऊंचे से ऊंची कोटि का देवता है शंकर। तीन देवताओं को अगर हमने पूरी जानकारी कर ली तो सच्चा मंदिर बनाने में हम सहयोगी बनेंगे, उससे दुनिया स्वर्ग बनेगी। और वो परमपिता परमात्मा शिव ही सच्ची पर आकर के नरक को स्वर्ग बनाता है, न इब्राहिम इस्लाम धर्म स्थापन करने वाले, न महात्मा बुद्ध, दुनिया में इतना बड़ा बौद्ध धर्म फैला हुआ है उन्होंने भी स्वर्ग नहीं स्थापन किया, न क्राइस्ट दुनिया में इतने बड़ी तादाद में क्रिश्चियंस फैले हुए देश देश अंतर में, न उन्होंने पैराडाइज स्वर्ग स्थापन किया, न मोहम्मद, न गुरु नानक, न शंकराचार्य, कितने बड़े बड़े महान धर्म पिताएं हुए लेकिन किसी ने भी स्वर्ग बना के नहीं दिखाया। सब इसी दुनिया में मिट्टी चाक से चले गए। कौन बनाता है? उन धर्म पिताओं का भी, उन बापों का भी बाप जो परम पिता है उसको वो भी मानते हैं गॉड फादर। वो ही जब इस शक्ति पर आता है तब इस सारी शक्ति के हर धर्म की आत्माओं को चुनता है। हर धर्म कोई धर्म ऐसा नहीं जिसमें अच्छा ही न हो, कोई धर्म ऐसा नहीं जिसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग न हो, तो हर धर्म की श्रेष्ठ आत्माओं को चुन करके उनको तैयार करता है उस संगठन से, फिर नई दुनिया की बाकी सारे आग में बस हो। तो सही का नियम ही है, लेकिन वो टाइम अभी आ गया, आज से 70 साल पहले में एटम बम बने थे और न भगवान इस शक्ति पर आया, दोनों ही काम हो रहे हैं, चल रहा है। इंडिया की गवर्नमेंट भी मान रही है, यहाँ के हिंदू लोग भी मानते ही है ब्रह्मा विष्णु संकल्प मानते हैं ना। इतना ही नहीं, मुसलमान लोग भी उन संस्थाओं को मानते हैं जो ब्रह्मा विष्णु संकल्प के रूप में थे, उस आदि पुरुष को मानते हैं जो आदि पुरुष शक्ति के आदि में था। अपने यहाँ कहते हैं उसको शंकर, मुसलमानों में उसको कहते हैं आदम, क्रिश्चियन में उसको कहते हैं एडम, जैनियों में उनको कहते हैं आदिना, माने सृष्टि का आदि पुरुष एक ही है
जिसके आधार पर ये सृष्टि की शुरुआत हुई, उस आदि पुरुष में वो शिव सुप्रीम ज्योति बिंदु है, सूर्य जन्मन के चक्र में आने वाला वो प्रवेश करता है और प्रवेश करके सारा ज्ञान सुनाता है। ज्ञान का मतलब है अंधश्रद्धा नहीं सिखाता है, एक एक बात का कारण कार्य का विश्लेषण करके बताता है। अंधश्रद्धा मनुष्यों ने सिखाई है, मनुष्य गुरुओं ने सिखाई है, रावण के नसीब सोते थे, कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, ऐसे ही जो बातें हैं वो मनुष्यों ने सिखाई है। भगवान इस तरह की बातें जिनका आधा पीछा कुछ है ही नहीं वो नहीं सिखाता, वो तो हर बात को क्लियर करके बताता है, ये बात ऐसे ये बात ऐसे ये बात ऐसे। जो ज्ञान हम लोग सुनते हैं लेने को लिए जो दिमाग होना चाहिए वो तो होता नहीं है, दिमाग होने के लिए ही तो भगवान आकर के अभी बता रहे हैं। दिमाग में तो घुसता नहीं है, तो बता रहे हैं तरीका क्यों नहीं घुसता है। अभी दिमाग में घुसा हुआ है गुह और मूठ की शक्ति, क्या शक्ति पेशाब में जो रमे रहते हैं ना वो बड़ा सुख मानते हैं, वो जो शक्ति है वो दिमाग में भर गई। जिस दिमाग में शक्ति पेशाब भर गई हो उसमें ईश्वर का ज्ञान बैठेगा, इसलिए भगवान इस ज्ञान की एक शर्त है कि 7 दिन कोर्स तो ले लेकिन 7 दिन पवित्र जीवन भक्ति मार्ग में शास्त्र में अनुष्ठान वगैरह बनाए हैं, तो 7 दिन रामायण की कथा करेंगे, भागवत की कथा करेंगे तो बड़े पवित्र होकर के, और 7 दिनों में विकारी जीवन नहीं बिताएगा, इसलिए पुरुष अलग अलग रह करके और बनाए हुए शास्त्रों के अनुसार है। लेकिन अभी तो भगवान आकर के खुद स्वयं ये नियम बना रहे हैं कि 7-8 दिन अपनी बुद्धि को पक्का कर लो, दृढ़ निश्चय बनाओ कि हमें ये संबंधित विकार है जिसने हमारी बुद्धि को नष्ट कर रखा है, ये हम हो गए बस उसी में 7 दिन के अंदर की तपस्या में ज्ञान बैठ गए। और एक बार मन में बुद्धि में वो बात बैठ गई, जिन्हें वो बात कैच कर ली, फिर उसके बाद चल पड़ेंगे कैच करके तो अपना अरे लड़ता क्या नहीं कर सकती है, लेकिन मनुष्य जन्म में ऐसा है कि हम लोग का अच्छा एक बात बताइए, एक 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 बात, नेगेटिविटी ज्यादा अच्छी है या पॉजिटिविटी ज्यादा अच्छी है, पॉजिटिव संकल्प करना ज्यादा अच्छा है या नेगेटिव संकल्प करना ज्यादा अच्छा है? नहीं भगवान हमारा साथी है तो क्या नहीं हो सकता है, हिम्मत है बच्चे बाप है, सब कुछ होता है, सब कुछ सोचता भी है, लेकिन बात एक ही खाली हमारा दिमाग में चलता है कि कैसे घुसे, अपना बताया ना तरीका बताया कि क्यों नहीं घुसता है, अच्छी बात लोगों की बुद्धि में क्यों नहीं घुस रही, क्योंकि जो रास्ता हम पकड़े हुए हैं वो शक्ति का रास्ता ही गलत हो गया, शक्ति बनाने का, शक्ति तैयार करने का, शक्ति चलाने का, शक्ति की पैदाइश करने का जो तरीका है बुद्धि में वो विमुख की शक्ति बनाई हुई है, इसीलिए तो आदमी का दिमाग कमजोरी होते जा रहा है दिन से दिन, कमजोर होता जा रहा है, मन बुद्धि लगातार चारों तरफ दुनिया में फैल रही है, रात को सोते समय मन इधर उधर भटक रहा है, उसका कोई तरीका भी तो भगवान बताता होगा। भगवान अभी आकर के तरीका बता रहा है, देखो तन बल जो है तन का बल शरीर का बल ये भी क्षीण होता है, तन बल मनुष्य समझता है कि हम बड़े पहलवान बन जाएंगे, हम सारी दुनिया को जीत लेंगे, सबके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, तन बल तन के आधार पर धन कमाते हैं, पैसा बैंक बैलेंस भरपूर करते हैं, उसके आधार पर बहुत नशा करता है, हमने इतना धन कमा लिया, नाम भी हुआ बहुत नाम हो जाता है, बड़ा सा ऊपर आदमी, तो तन बल धन बल और कुरवा होता बहुत लंबा चौड़ा हो जाए, बहुत भांति बढ़ जाए, बहुत दोस्त बढ़ जाए, बहुत फॉलोअर्स बढ़ जाए, वो है जनबल, किसी का परिवार बहुत बड़ा होता है
उसको नशा रहता है, हमारा को क्या बिगड़ सकता है, हमारा पूर्वज होता है, हमारा परिवार कितना बड़ा है, हमको कोई कुछ नहीं है। जन बल, ये तीन बल जो है मनुष्यों के पास बहुत अहंकार बढ़ाने वाले, लेकिन जो अगली बल है जो हमें जन्म से ही मिला है भगवान से, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो है मनोबल। मनोबल जब से आदमी पैदा हुआ है उसको भगवान से दात मिली हुई है मनोबुद्धि की। हर आदमी, इनको अपने तरीके की मनोबुद्धि मिली हुई है, इनको अलग मिली हुई है, इनको अलग मिली है, इनको अलग मिली है, भगवान की दात मिली है, उसकी कदर नहीं समझ रही। पहले तो हम मनोबुद्धि की कदर करें, मन का क्या हाल है, धन इकट्ठा कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तन की ताकत बढ़ा रहे हैं, अच्छा अच्छा खा रहे हैं, अच्छी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वर्जित कर रहे हैं, तन की ताकत बढ़ा रहे हैं, जनबल की ताकत बढ़ाने के लिए कितना हम टाइम देते हैं, लेकिन मनोबल की ताकत बढ़ाने के लिए किसी के पास कोई साधन नहीं है। वही तो मैं वही बोल रहा हूँ, वो भगवान आ करके बता रहा है। बच्चे सुबह से लेकर के शाम तक तुम्हारा मन चारों तरफ धन तो इकट्ठा कर रहे हैं बैंक में, लेकिन मन बिखर रहा है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो मन जो है बिखर रहा है। अब भगवान आकर के बताते हैं, बच्चे मन को अगर तुम्हें एकाग्र करना है तो सबसे पहले अपने आप को पहचान लो, तुम्हें हिंदू आत्मा बैठ जाओ, यहाँ देह की स्मृति से बुद्धि हटा के इस स्टार को याद करो, प्रैक्टिस करो, कितनी देर इस क्रियम दिमाग को रखो, प्रैक्टिस करने से क्या नहीं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस कॉन्स्टेंट, गीता में भी लिखा है। अब क्या आते हैं तो कौन से वैराग्य वैसे करिए थे, उसको तो टाइम नहीं मिलते बाबा जी, इधर अभी हमको तो अब आप तो नौकरी से मुक्त हो गए, हम तो लोग हम मतलब बात तो दूसरों की बात छोड़ दीजिए, आप तो नौकरी से आपके पास टाइम ही टाइम है, टाइम ही हाँ, तो आप उस कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो कि भगवान आकर के सिखा रहे हैं, वो कॉन्सेंट्रेशन का नाम है सहज राजयोग। क्या राजयोग इसलिए ये नाम दिया गया है कि दुनिया में मास्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वो मनुष्य पढ़ाई पढ़ाते हैं तो बनते हैं, मनुष्यों की पढ़ाई हुई पढ़ाइयों से ये बनते हैं, लेकिन भगवान जो पढ़ाई पढ़ाते हैं न मास्टर बनाते हैं, न टीचर बनाते हैं, न वो इंजीनियर बनाते हैं, न डॉक्टर बनाते हैं, वो आकर के राजाओं का राजा बनाते हैं। आप बताइए कोई ऐसी दुनिया की, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा विश्वविद्यालय, कोई विद्यालय हुआ हो तो हमें बताओ जहाँ राजाई करना, कंट्रोलिंग पावर ग्रहण करना किसी ने सिखाया हो? नहीं सिखाया। ये मन को कंट्रोल करना, जितना हम मन को कंट्रोल करेंगे उतनी हमारी इंद्रियां कंट्रोल होंगी। इंद्रिय जीते जगत जीत कहा जाता है, मन जीते जगत जीत कहा जाता है, मन को जीत लिया माना सारी माया को जीत लिया। ये भगवान आकर के हमको मन की कंट्रोलिंग सिखा रहा है, अब भगवान सिखा रहा है तो हम क्यों नहीं सीखेंगे? एक बार ये पहचानने की जरूरत है कि भगवान इस धरती पर आ चुका है। 70 साल पहले न भगवान आया था और न इस दुनिया के विनाश की सामग्री तैयार कराई थी, नाम निशान भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं था, एटम बम क्या चीज होती है। 70 साल के अंदर ही भगवान इस धरती पर आया और इस धरती जो पुरानी दुनिया दुखदायी धरती है इसके विनाश का सामान भी तैयार कराना शुरू कर दिया। दोनों चीजें तैयार है, ज्ञान के आधार पर नई दुनिया का संगठन तैयार हो रहा है, गांव गांव में, शहर शहर में, वो ब्राह्मण दुनिया तैयार हो रही है। ब्रह्मा की बला, ब्रह्मा की औलाद को ही ब्राह्मण कहा जाता है, शिव की औलाद को शैव कहा जाता है, विष्णु की औलाद को वैष्णव कहा जाता है, एक मात्रा बढ़ जाती है बच्चे के अर्थ में या फॉलोअर के अर्थ में। ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा के फॉलोअर वो ब्राह्मण हुए, जिनकी औलाद जैन हुए, एक मात्रा बढ़ गई ना, तो ब्रह्मा के द्वारा नई शक्ति की स्थापना के लिए
अब ब्राह्मणों के द्वारा कार्य हो रहा है, पूर्णतः तैयार हो रहा है, आप कहते हैं उन्होंने प्रूफ बताओ चाहिए था ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुना नहीं सुना। अब आप प्रैक्टिकल में देख आइए जगह, अभी शक्ति पर गांव गांव में, शहर शहर में और देशांतर में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय खुले। हमारे ऊपर विश्वास नहीं करिए, हम तो दूसर आदमी है, आपके सभी साथी हैं उसी लाइन के, आप उनसे बात करिए। हम आपको सिर्फ ले चल के दिखा सकते हैं कि इंडिया के हर शहर में, इंडिया के हर गांव में वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कहते हैं, जिनमें ऐसे ही सफेद पोस्ट भाई ब्राह्मण जो है तो पक्का मिल रहा है, उनका हेड ऑफिस माउंटा वृंदावन में से वृंदावन में भी है ब्रह्मा कुमारी का। लेकिन ब्रह्मा के जो ब्राह्मण बच्चे पैदा होते हैं, ब्रह्मा ने मुख से जो ज्ञान सुनाया उस ज्ञान का नाम पड़ता है वेद, इसलिए ब्रह्मा के मुख से वेद वाणी निकली। उस वेद वाणी को सुन करके जो ब्राह्मण पैदा हुए वो दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, एक होते हैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी ब्राह्मण जैसे गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे, और एक होते हैं रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे निश्चित नीची कोटि के ब्राह्मण। नीची कोटि के क्यों? मुख से बोलते तो ज्ञान ज्यादा है काम करते, लेकिन प्रैक्टिकल कर्मों में वो ज्ञान देखने में नहीं मिलता, तो ऐसों की संख्या बहुत होती है। अभी भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय तो ढेर के ढेर खुले हुए हैं, लेकिन उनमें निष्पक्ष ब्राह्मण ढेर सारे चल रहे हैं। तो जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संगठन अलग से तैयार होता है वो फिर कहा जाता है, जो बाप को भी जानते हैं और अम्मा को भी जानते हैं। कोई बच्चा ये कहे कि हमारी अम्मा का नाम ये है, उससे कोई दूसरा पूछे अम्मा का नाम बताते हैं तुम बार बार, उन्हें बाप को नाम क्यों नहीं बताते? कहते नहीं, माँ माँ से ही, माँ ही दुनिया में सब कुछ श्रेष्ठ है, माँ के ही हम बच्चे हैं, बाप तो कोई बात नहीं, बाप तो कोई भी हो सकता है। इसका मतलब कि औरत संतान है या चोरी चकारी की औलाद, कोई बच्चा अपनी माँ का बार बार नाम बता रहे और बाप का नाम न बता रहे, उसे क्या समझ हुआ असल बाप की औलाद है या नकली बाप की औलाद? वो तो बहुत दूर का बात है, लेकिन बच्चा जो समझता है इतना ही, जो जो हम जो माँ का घर के घर से पैदा हुए, माँ की माँ ने हमको अपना ही परिचय दिया है, तो इतने बाप का मालूम पड़ता है। बाप का परिचय हमारी माँ ने नहीं दिया, ये मतलब हो जाता है कि निवृत्ति मार्ग की औलाद है, प्रवृत्ति मार्ग की औलाद नहीं है। एक भारत से भारत देश में देवी देवता ही ऐसे हुए हैं जो प्रवृत्ति मार्ग की औलाद है, और बाकी ये क्रिश्चियन, ये मुसलमान, ये सिख है, ये ईसाई, ये सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं, मात पिता दोनों को नहीं मानने वाले हैं, ये सब निवृत्ति मार्ग वाले धर्म है दुनिया में जो फैले हुए हैं। भगवान आकर प्रवृत्ति मार्ग के देवी देवताओं की स्थापना करता है, और जब स्थापना करता है तो ब्रह्मा द्वारा दो तरह के ब्राह्मण पैदा होते हैं, उनमें एक होते हैं निवृत्ति मार्ग वाले ब्राह्मण और एक होते हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले। जो प्रवृत्ति मार्ग वाले ब्राह्मण है वो बाप और माँ दोनों को पहचानते हैं। बाप कौन है? बाप है वो शिव शंकर भोलेनाथ। माँ कौन है? ब्रह्मा ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, दुनिया की बड़े से बड़ी माँ। माँ क्या करती है? माँ और सहन करती है, माँ जितना बच्चे की पालन पोषण में सहन करती है इतना कोई करता नहीं है। तो ब्रह्मा ने इन ब्राह्मणों की पैदाइश में और इनकी पालन पोषण में जितना सहन किया उस
इतना आज तक कभी किसी ने न किया है और न कभी कोई करेगा। लेकिन उस ब्रह्मा के अंदर बीज डालने वाला अहम बीज प्रदत्त पिता वो कौन है, ये प्रदत्त की बात गीता में बोला हुआ है कि मैं बीज डालने वाला पिता हूँ, ज्ञान का बीज मैंने डाला है जो ब्रह्मा के मुख से निकलता है वेदवाणी। तो 70 साल पहले परमात्मा ने आके वो ज्ञान का बीज भी डाला, माउंट आवर को संस्थान तो खुला हुआ है लेकिन उसमें से जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो भी अभी दुनिया में फैल रहे हैं, उनकी संख्या बहुत थोड़ी है, जैसे 5 पांडव थे बहुत मुख्य है थोड़े से, और बाकी कौरव और यादव ढेर के ढेर चारों धर्म में। अभी यही स्थिति है, ये 7 दिन का कोर्स लेने के बाद आपको सारी बात समझ रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं देना, 1-2 घंटा रोज लेकिन ब्रह्मचारी पूर्ण। अभी तो ब्रह्मचारी है और क्या है, अरे नहीं नहीं, 70 साल के लोग सोचते पैदा करते रहते हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं है, आप अलग है। 1-2 घंटा प्रतिदिन समय दी, अब तो दान माँ का यहाँ ज्यादा अच्छा पा जाता है क्या, अच्छे काम के लिए कोई कहे हाँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन फिर अच्छा अच्छा कहे कि चल पड़ा तो अच्छा नहीं है। अच्छा कब है, जो अच्छा कहा वो काल करे तो आज कर, आज करे तो अब, पता नहीं एक पल में क्या से क्या हो जाए, इसलिए तुरंतदान मान कल्याण कहा जाता है। बाबा माँ जो संतान पैदा करते हैं बाई जेनरेशन, संतान के लिए पिता माता सब कुछ करते हैं बाई जेनरेशन। अभी जो बदल गई है, जो हम लोग पेपर में और सामने देख रहे हैं, जो संतान को पालन किया पोषा सब कुछ किया उसका बाद उसको जो देने को था वो भी दे दिया, उसका बाद देख रहा है वो संतान का अपोजिट हो गया, क्यों हो गया आपको तो समझ नहीं आता, हम आपको समझाते क्यों हो गया, हमको अपोजिट होता जा रहा है, ये जो संतान की पैदाइश की प्रक्रिया है ये गुप्त होती है, वो तो गुप्त सही है, गुप्त होती है लेकिन उस गुप्त में एक बात और है, माँ जैसे अभी बताया ना कोई बच्चा अपनी माँ का परिचय देता है लेकिन बाप का परिचय नहीं देता, नहीं देता है, तो ऐसे ही माँ कोई विचारणी हो जाती है, बस खून दूसरा आ गया तो वो जो दूसरा खून आया हुआ है बच्चा तो यही कहेगा कि माँ का बच्चा हूँ, और माँ जिसको बाप बताएगी उसी का बच्चा बताएगा, लेकिन खून तो बदल गया, अब घर घर में ये हो रहा है, बताया नहीं जाता, ये अंदर ही अंदर सब चल रहा है, खून खराब हो रहे हैं घर घर में, किसी को पता नहीं चल रहा है खून खराब हो रहे हैं, ये तो अब बोला जो बड़ा बड़ा, लेकिन हम लोग जैसे सुनता है इसका और भी सुनता है, पूर्व जन्म के ऐसा कोई फल होता है, बिल्कुल बिल्कुल, कितने जन्मों से 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्य के पास मौजूद है, जब से हिस्ट्री मौजूद है तब से समझो दुनिया दुख की दुनिया शुरू हुई, उससे पहले दुख की दुनिया नहीं थी, आदमी दिन कम गिनता है, दुखों में दिन गिनता है या सुख में दिन गिनता है, आप सोच के बताइए, दिन गिनने का काम आदमी सुख के दिनों में करता है या दुख के दिनों में करता है, दुखों में दिन में करता है, दुख में दिन गिने जाते हैं, तो ये हिस्ट्री दिन गिनने की जो आई है ना, ये 2500 साल की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है, एक एक दिन आदमी गिन रहा है, 2500 साल हो गया, उससे पहले की हिस्ट्री कोई किसी के पास है ही नहीं, कोई प्रूफ ही नहीं मिल रहा है, वो सुखी की सृष्टि थी 2500 साल पहले, सत्युग और त्रेता था, अभी द्वापर द्वैतवादी सृष्टि बन गई है, माँ और बाप दोनों मिलकर के एक नहीं रह पाते हैं,
माँ और बाप दोनों मिलकर के एक हो जाए माने विष्णु का राज्य हो गया। स्त्री और पुरुष दो हाथ वाले होते हैं ना, दोनों मिलकर के चार हाथ बन जाते हैं। चारों हाथ का जो राज्य है वो ही वास्तव में विष्णु का राज्य है। वो विष्णु का राज्य देवताओं का राज्य था, सत्यवत्र का राज्य रामकृष्ण आदमी राज्य नहीं, आज राम का राज्य द्वैतवादी राज्य। द्वैतवादी राज्य में द्वैत से पैदा होते हैं दैत्य, और अद्वैतवादी राज्य होता है जहाँ दूसरा नहीं होता है, माँ बाप दोनों मिलकर एक ऊपर के काम करते हैं, वो है देवताओं का राज्य। भगवान अब आकर के ये द्वैतवादी राज्य को खत्म करके अद्वैत देवताओं का राज्य स्थापन करने वाला है। युक्त सब था लेकिन दापट से दो आपट का मतलब ये दो दापट से सब उलट पलट हो गए। आप अपने आप ही ज्ञान बोलना शुरू हो गए। ज्ञान माने सच्चाई, जानकारी। किस बात की जानकारी? सच्चाई की जानकारी। सत्य के लिए राम लड़ाई किया थे सत और सती का लिए, लेकिन उल्टा हो गया दापर में आके व्यभिचारी के लिए नहीं भी धंस हुआ और शैलाचारी के लिए भी धंस हुआ। 5 ग्राम मिलने से उसका तो कोई हर्जा नहीं। राम करा की पिता ही मुझे बताते हैं लाभ तो भी सोचने सोचता तो देखिए या सीता गया जाने तो फिर दूसरा सीता मिल जाए, लेकिन नहीं तो क्यों सोचा जैसा ये हमारा सत है ये मेरा सती है। राम राज्य की कितनी महिमा शास्त्रों में की है। राम राज्य की महिमा के आधार पर महात्मा गांधी जी ने कितना बड़ा रेवोल्यूशन करा कर दिया। हम राम राज्य लाएंगे, जिस राम राज्य की इतनी महिमा है उस राम राज्य में राम की क्या हालत दिखाई दी है कि उनकी सीता चोरी हो गई। अरे राजा राम की ही रानी सुरक्षित नहीं है, वो राजा प्रजा की क्या सुरक्षा करेगा। ये बात तो नहीं है, ये शास्त्रों में विरोधाभास है। मनुष्य के लिखे हुए शास्त्रों में बहुत अधम बगरम है। असली बात भगवान आगे बताते हैं कि मैं जब इस सृष्टि पर आता हूँ दुख की दुनिया भरपूर हो जाती है कलयुग के अंत में, और कलयुग के अंत की दुनिया को पलट करके मैं सत्युग की सर्वप्रथम दुनिया बनाता हूँ। अभी कलयुग का अंत है लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ है कलयुग के हजारों साल है, 60 लाख बोलता है तो अब 60 लाख अब जब हजारों साल बता दिए प्रथम मत हो गए। अरे अब की दुनिया इतनी जल्दी लेकिन ऐसा नहीं है, ये आइटम बम हमारे घर की सजावट के लिए नहीं बने हैं, ये बने हैं ये तो कुछ कर गुजरेंगे। आप जो बोला एकदम एकदम कटाक्ष वाली बात बोल रहे थे हम बोलते हैं। आप जो बोला है मुद्दा जितना मंदिर मस्जिद और गिरजा ऑल ओवर द वर्ल्ड बन रहा है, अब उसको क्या सोचेंगे कैसे मुर्दा बनता है और उसका कैसे जिंदा बनता है, वो भावना का भार मिल रहा है। हाँ, जितना मंदिर हो रहा है बोला ना जगह का नाम वृंदावन, वृंदावन में हम जितना मंदिर देखा और कितना बोला 6,000 से 7,000 मंदिर है तो उसका तो देखने का संभव नहीं। एक बात और एक बार वृंदावन में जाके देख लीजिए, न देख पाई हो
झंडा लिए जितना विचार भ्रष्टाचार वहाँ के वहाँ के मंदिरों में बैठने वाले पुजारियों में पनप रहा है। ये तो आप ठीक बोला है, पब्लिक सब जगह में आए, वृंदावन में हर जगह में आए, हर जगह में आए, वृंदावन काशी में चले जाओ। ये बोलता है ना, मूर्ता का कोई सवाल नहीं है, जो मंदिर बन रहा है, जो मूर्ता हो और जिंदा हो और चैतन्य हो, लेकिन बन तो रहा है। कैसे बन रहा है? पैसा से, करोड़ 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 रुपया में एक एक मंदिर जो बनाता है, हम तो ताज्जुब हो जाता है, ये बाप रे बाप क्या बन रहा है। इधर में क्या भक्ति है, न ज्ञान है, न कोई मार्ग है। जब मनुष्य ऐसा मंदिर बना सकता है, तो भगवान कैसा मंदिर बनाता हो? देवताओं का मंदिर तो भगवान बनाता है, वो भी तो देवता की मंदिर हो रहा है। एक देवता का नहीं, 33 करोड़ देवताओं का मंदिर बना के जाता है। 31 करोड़ का मंदिर बना तो जाता है, हमको मालूम नहीं, लेकिन जो मंदिर बनाता है उससे तीनों का, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का, वो और साथ में महामाया को, महामाया और महाकाली, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये है शुरुआत। फिर 3 से 33 करोड़ जब बढ़ जाते हैं तो त्रेता का अंत हो जाता है, बढ़ जाए। जनरेशन धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम नहीं बढ़ती, बहुत तेज बात है, धीरे 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 हजारों साल लग जाते हैं। भक्ति माँ कहता है कि वृंदावन में धर्म का आधार में 2.5 करोड़ देवदासी रख दिया, 2.5 करोड़ देवदासी रख दिया धर्म का आधार से। क्या वो पहले था? अभी नहीं, अभी बहुत ऐसा मन को देखा होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे बेसी देवदासी होते वृंदावन। एक बात और वहाँ बहुत बड़ी धर्मशाला मंदिर बना के बैठे हुए वृंदावन। सुशील भाई के उनका कहना यह है, ये ज्ञान आपका बिल्कुल सच्चा है, लेकिन इस दुनिया में लोग जो है इस ज्ञान को मानेंगे नहीं। अभी जब तक हम भक्ति के तरीके से उनको भक्ति का आडंबर हमारे पास नहीं होगा और हमारे पास अच्छा एकोमोडेशन नहीं होगा, हमारी बात को सुनता नहीं होगा। इसलिए अच्छा करके मंदिर बनाने और मंदिर बना रहे हैं, लेकिन इंडियन को मिक्स करके मुश्किल लोग ले रहे हैं। हाँ, ये बहुत ठीक बोला, एकोमोडेशन अच्छा होना चाहिए। हाँ, उसके बाद उधर में आदमी लोग जाके भीड़ बढ़ाएंगे, ये बात है। लेकिन पहले जो था आश्रम में आदमी लोग जाते था, कितना कष्ट करके, कितना कष्ट करके आश्रम में जाके वो ज्ञान और ध्यान बनाते हैं। अभी एकदम एकोमोडेशन होना चाहिए, एकदम एक चकमक चकमक होना चाहिए। दिखावा एफिशिएंसी में ज्यादा हुआ है, जो भारतीय परंपरा है दिखावा करने का नहीं है। दिखावा करने से सच्चाई थोड़े समय के लिए सच्चाई प्रत्यक्ष तो होगी दिखावे पर, लेकिन ज्यादा सजा सजाया माहौल देखेंगे उसमें बच्चे घुस पड़ेंगे, बच्चा बुद्धि उसे तो हो रहे हैं ना। हाँ, उसे तो हो रहा है, सालिम बुद्धि है, वो दिखावा को पसंद नहीं करते, वो अंदरूनी चीज को पसंद, लेकिन आदमी लोग इसको पसंद करते ज्यादा, तो ये होना चाहिए। बड़ा बड़ा स्थान लेकर के मंदिर बनाए बाबा से जिसका की बाबा की वो कर्म करते मान लो समझो कि हमारी इच्छा है कि हम विद्वान बच्चे पैदा करें, लेकिन वो इच्छा बहुत धीमी है और उसके लिए हमने धीमे धीमे प्रयत्न किया। बीज तो पड़ गया इच्छा का, लेकिन वो जल्दी फलीभूत नहीं होगा। हो सकता है 2, 4, 8, 10, 15, 20, 25 जन्म लग जाए, और एक ऐसी इच्छा शक्ति है जो बड़ी तीव्र इच्छा